जय हिंद दोस्तों, अनिसा आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल का है दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में दोस्तों। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको फ्रेशर कैंडिडेट से भाग नहीं ले सकते हैं। इससे फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह सारे अपडेट्स आपको देते रहें। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चला कि आने वाले दिनों में आपको कौन कौन सी किस प्रकार की एक्सपीरियंस की आवश्यकता रखनी होगी, किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको रखना होता है, जिससे आपको आने वाले दिनों जो वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सके दोस्तों। इस वीडियो में बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस और सारी जानकारी हम देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं वहाँ पे आके चेकआउट कर लीजिएगा। और अनिल सराय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे, करियर ऑप्शन पे आके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसका अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सैलरी की बात की तो 37,105 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा डीए मिलेगा आपको, एचआर भी अच्छा खासा है, और आपको और भी कई सारे अलाउंसेस मिलेंगे जिससे आपका सैलरी 37,105 रुपये आपको मिल जाए दोस्तों। ये सिर्फ आईटीआई वालों का है, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनका 38,000 से अबव सैलरी हो जाए दोस्तों। और आपको बता दें यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए, अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा। और एक कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है दोस्तों, ये हमेशा परमानेंट वैकेंसी निकलते रहती है। फिलहाल वर्कमैन की वैकेंसी निकली है वर्कमैन पोस्ट में, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए सीनियर स्लिप डॉक्टर मैकेनिकल का पोस्ट है, और इस तरह कई सारे पोस्ट है दोस्तों, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी दोस्तों। जिससे आपको मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाकर बताया था, आईटी वाले डिप्लोमा कर सकते हैं लेकिन आपका 2 साल और ना करके 3 साल वाला करें तो बेहतर होगा। जो इस तरह की वैकेंसी भी आएगी तो आप उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर 2 साल वाला करेंगे तो इस तरह की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आपको जो डिप्लोमा करना चाहते हैं आईटी के बाद तो 3 साल का करें या 2 साल का देख लीजिएगा। शिपयार्ड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग कंपनी से या शिप डिजाइनिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या सेमी गवर्नमेंट कंपनी से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, और ये इस कंपनी से एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सारे डिप्लोमा कैंडिडेट जो है एक बार वेबसाइट पर विजिट करके या डिस्क्रिप्शन नोटिस डाउनलोड करके अपना एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए कि आपका जो ब्रांच है आपका ब्रांच इसमें है कि नहीं, आपके ब्रांच के योग्य इसमें आपको वैकेंसी है कि नहीं। ठीक है, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में, देखिए तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में, कई सारे पोस्ट है जैसा आईटी वाले डिप्लोमा वाले ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी वालों के लिए वेल्डर कम फिटर है, वेल्डर एंड वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जिसमें आपको आईटी पास आउट चाहिए और आपके पास नेक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और साथ ही आपके पास वेल्डर और गैस इलेक्ट्रिक से आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्सपीरियंस 5 सालों का मांगा गया दोस्तों, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। देख सकते हैं 5 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, इसलिए कहना चाहिए कि आप सब एक्सपीरियंस जरूर रखिए। आपको जहां से अच्छी कंपनी एक्सपीरियंस मिलता है या अच्छी कंपनी आपको रख रही है तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला देखिए, आप एक्सपीरियंस कहां से है तो शिपयार्ड कंपनी से, इंजीनियरिंग कंपनी से, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। वेल्डर कम फिटर की बात करें तो आप प्लम्बर के कैंडिडेट फॉर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पाइप फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लम्बर पोस्ट पे पाइप फिटर या प्लम्बर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई चाहिए और अप्रेंटिसशिप चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस तो आपको पता है कहाँ से है। वेल्डर कम फीटर में मैकेनिकल मोटर और मैकेनिक डीजल के कैंड फॉर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और मैकेनिक मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक दोनों फॉर अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें शिपयार्ड में इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, इन सभी में आपके इनमें से किसी एक कंपनी में या इनमें से किसी एक जगह से आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो वेल्डर कम फिटर है, जिसमें कि आईटीआई के फिटर ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आईटी पास आउट चाहिए, अप्रेंटिसशिप चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए दोस्तों, तो अपना चेकआउट कर लीजिएगा। अब अगला पोस्ट है वेल्डर कम फिटर, जिसमें सीट मेटल वर्कर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और आपने आईटीआई किया हुआ है सीट मेटल वर्कर से, अप्रेंटिसशिप किया सीट मेटल वर्कर से, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिटर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आईटीआई पास आउट चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, साथ ही अप्रेंटिसशिप भी चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देख ही सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक वाले में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे,
जिसमें आईटीआई अप्रेंटिसशिप दोनों चाहिए, साथ ही आप 5 साल का एक्सपीरियंस भी रह सकते हैं दोस्तों इसमें। आगे की बात करें, शिप राइट वुड है, इस देखिए शिप राइट वुड में कारपेंटर के फॉर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आईटी और अप्रेंटिसशिप के साथ साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, जो कि शिपयार्ड में इंजीनियरिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी से आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे की बात करें तो इसकी आप देख लीजिए, आपका जो जो ट्रेड था एक बार अच्छे से देख लिया शुरू से, जिससे आपको पता चल पाए कि आपका ट्रेड था कि नहीं, ठीक है, और अपना भी नहीं दिया शुरू से तो देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए। लेकिन आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अप्रेंटिसशिप चाहिए, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 6 जून है। नीचे की तरफ आए तो आपको आपको देखने को मिलेगा आईटी वाले सैलरी सैलरी आपको यहाँ पे देखिए, सीट सॉरी सीट देखिए तो आपको वेल्डर फिटर के लिए जो है वेल्डर कम फिटर जिससे गैस इलेक्ट्रिक 108 सीट है, और यहाँ प्लम्बर के लिए जो है जिससे प्लम्बर में 40 सीट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल में 8 सीट है दोस्तों यहाँ पे देखिए। और आगे बात करें यहाँ पे फीटर में आपको 9 सीट है दोस्तों, यहाँ पे 41 सीट है जो है सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 है, छः छः है, और कारपेंटर के लिए 3 है दोस्तों। इस तरह से आपको देख लेना है, और नीचे तो जाइए तो आपको पे स्केल के बारे में बता दें, तो पे स्केल देखिए आपको आईटी वालों के लिए 22,500 से 73,750 है, और डिप्लोमा वाले के लिए 23,500 से लेके आपको 77,000 तक का है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सैलरी देखिए, अच्छा खासा आपको सैलरी के बारे में तो पहले बता ही रखे हैं, आपको इससे पेंशन भी मिलेगा दोस्तों, पीएफ भी मिलेगा दोस्तों, और किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसका इंश्योरेंस भी लगेगा, इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल मिलेगा, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। एज की बात करो तो 35 साल आपका एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 साल, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी 3 साल मिल जाएगा ओबीसी का, और एससी का 5 साल तक का रिजर्वेशन मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऊपर डिप्लोमा है, डिप्लोमा ड्रॉप डाउन के वैकेंसी के लिए दो दो आपको फेज होगा, जिससे कि पहला फेज होगा ऑनलाइन टेस्ट जिससे 70 मार्क्स एग्जाम होगा, जिससे 75 मिनट का एग्जाम का समय रहेगा दोस्तों। फेज टू जो होगा 30 मार्क्स का, जिसमें ऑटो कैड और ट्रिबल प्रैक्टिकल टेस्ट होगा दोस्तों, टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। और आईटी वालों के लिए दोस्तों वेल्डर कम फीटर ये सभी पोस्ट है, जिससे दो फेज एग्जाम होगा, जिसमें पहला एग्जाम जो है 30 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा दोस्तों, और जो कि 35 मिनट का समय मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल आपको 70 नंबर के होगा, जिससे आपको आपको 100 नंबर दोनों मिला के हो जाएगा, और ये आपको दो दो फेज होगा, 30 नंबर एक 70 नंबर का, तो दोनों मिला के 100 नंबर हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो आगे जब चलते हैं हम तो आगे अभी की कई सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, इससे आप रिजर्वेशन भी मिलेगा। आगे की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें से जनरल नॉलेज 5 मार्क्स से आएगा, रीजनिंग 5 नंबर से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 नंबर आएगा, इंग्लिश से आपको 5 नंबर, और 50 नंबर आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें 30 नंबर आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, टोटल आपके 100 नंबर हो जाएंगे दोस्तों। आगे की बात करेंगे तो आपको देखिए पासिंग मार्क्स जनरल को 50% लाना होगा, ओबीसी को 45 और 40% जो है एससी कैंडिडेट को लाना होगा दोस्तों, तब वो पासिंग मार्क्स के अंदर भी आएंगे दोस्तों, ठीक है। रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, जो रिजर्वेशन होगा जिस जो आपका कास्ट होगा ईडब्ल्यूएस होगा उसके अंतर्गत आपका रिजर्वेशन मिलेगा। एक्सपीरियंस आपको वैलिड चाहिए दोस्तों, वैलिड एक्सपीरियंस हो तभी आप इसको अप्लाई करेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन फीस लगने वाला 400 रुपये दोस्तों, जनरल ओबीसी का भी लगेगा, बाकी जो ईडब्ल्यूएस है एससी एसटी है सॉरी ईडब्ल्यूएस का भी लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का फीस माफ़ है, बाकी सबका फीस लगेगा दोस्तों। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो फॉर्म अप्लाई 14 मई तक कोचिंग सीपैट की वेबसाइट से होगा, कोचिंग सीपैट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप नोटिफिकेशन का लिंक और सभी लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से जाके विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। रेलवे कैसे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा है, अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या अनिल सर आईटी वेबसाइट पे, या अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से देख करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट है आपको पता चलते रहे। अभी देखिए तो मारुति सुजुकी का सीडब्ल्यू की वैकेंसी आई है दोस्तों, नीचे तो जाएगा तो और भी कई सारी वैकेंसी है जिसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे कोई भी नोटिस आता है तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। रेलवे की अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन आए तो भर दीजिए, और साथ ही जो भी वैकेंसी आएगी उसके फॉर्म भर दिया जाएगा। हालांकि सीटें कम होती है, ऐसी बहुत सी वैकेंसी आती है जिसमें आईटी वाले के फॉर्म भरा था, तो मिलता है वीडियो अगली आएंगे, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।